नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब कुशल पूर्वक होंगे। जय सतगुरु श्री माली जी की जय, जय सतगुरु श्री नाथी राम वाल्मीकि की जय, जय शमशान काली। मैं भगत नरेश कुमार पंचाल अपने महाकाली चैनल में आप सभी भाइयों का, आप सभी बहनों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मैं भगत नरेश कुमार पंचाल आज आप सब भाइयों के लिए बाबा काल भैरव जी का एक सावर मंत्र लेकर आया हूँ। बाबा काल भैरव जी की चौंकी का सावर मंत्र। इस मंत्र के जरिए बाबा काल भैरव से आप काम ले सकते हो। बाबा काल भैरव की चौंकी अपने शरीर पर बुला सकते हो और बाबा से आप मनचाहे काम करवा सकते हो और दूसरे का जन कल्याण भी कर सकते हो। लेकिन इस मंत्र को भी बिना गुरु के ना करें, गुरु की इजाज़त से करें और गुरु के आशीर्वाद से करें, क्योंकि ये नवरात्रे का स्पेशल है। नवरात्रे स्पेशल में है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला अभी आपको मैं तीन मंत्र दूंगा जो नवरात्र स्पेशल होगा, ठीक है। अब मैं एक बात और कहूँगा, आप सभी भाइयों को, आप सभी बहनों को, आप सभी बुजुर्गों को, आप सभी बच्चों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि 26 तारीख को, 26 सितंबर को पहला नवरात्रा शुरू होने जा रहा है। 26 सितंबर को आप इस मंत्र की साधना कर सकते हो। उसके लिए आपको पहले गुरु मंत्र, रक्षा मंत्र, आसन जाप ये होना चाहिए। इसके बगैर अगर आप इस मंत्र को करते हो तो अपनी हानि और लाभ के स्वयं जिम्मेवार बनोगे। इसमें मेरी और मेरे इस चैनल की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये काल भैरव जी का बहुत ही उग्र, बहुत ही तीव्र मंत्र है और जल्दी काम करने वाला मंत्र है। इस मंत्र को आपने किसी भी इस शनिवार को शुरू कर सकते हो। सबसे पहले भैरव जी के मंदिर में जाएं। भैरव जी के मंदिर में एक नारियल और 11 बूंदी वाले लड्डू, एक मीठा पान, 11 गुलाब के फूल और 11 लौंग बाबा भैरव के मंदिर में चढ़ा कर आएँ और भैरव जी के नाम से एक पौवा भी चढ़ा कर आएँ भैरव के मंदिर में। फिर आप इस मंत्र की रुद्राक्ष की माला से कम 4 माला का जाप करना है। 4 माला डेली जाप करनी है। ब्रह्मचर्य का पालन रखना, जमीन पर सोना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, काला ही आसन होना चाहिए, काले वस्त्र होने चाहिए, तब आप इस मंत्र का जाप करें और जमीन पर सोना है, ठीक है। लेकिन अपने गुरु की इजाज़त लेकर करें। इस मंत्र के बताने से पहले मैं एक बात और कहूँगा, अगर आपको हमारा चैनल, हमारी यह वीडियो अच्छे लगे तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाया करें, ताकि आप लोगों के लिए नई नई जानकारी और नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मेरे जो कोई भाई मेरे चैनल के साथ अभी नए नए जुड़े हैं, कुछ मेरी बहनें अगर अभी नई नई जुड़ी हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या बेल का बटन नहीं दबाया तो कृपया एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का बटन है उसको दबाएं, ताकि आप लोगों को नई नई जानकारी और नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। अब हम मंत्र सुने। ओम गुरु जी, काला काला भैरव काला, काली का काली रात भैरव चले आधी रात, भैरव की चौंकी चले, भैरव की चौंकी में कौन कौन चले, मड़ी चले, मड़ी मसाणी चले, भूत प्रेत चले, हाहाकार मचाते चले, औरों की चौंकी उठाते चले, अपनी चौंकी बिठाते चले, भगत अपने की पुकार पर चले, एक हाँक पर चले, ना चले तो माता काल का की शेष्ठियाँ पर अपना पग धरे, गुरु गोरखनाथ की मार पड़े, माता का पिया दूध हराम करे, शब्द साचा पिंड काचा, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा, देखो काल भैरव तेरे शब्द का तमाशा। यह मंत्र है दोस्तों, मंत्र एक बार और सुन ले। ओम गुरु जी, काला काला काल भैरव काला, काली रात भैरव चले आधी रात, भैरव की चौंकी चले, भैरव की चौंकी के साथ कौन कौन चले, मड़ी मसाणी चले, भूत प्रेत चले, हाहाकार मचाते चले, औरों की चौंकी उठाते चले, अपनी चौंकी बिठाते चले, भगत अपने की पुकार पर चले, एक हाक में चले, ना चले तो माता काल का की शेष पैया पर पग धरे, गुरु गोरखनाथ की मार पड़े, सब पिया माता का पिया दूध हराम करे, शब्द साचा पिंड काचा, फुर मंत्र ईश्वर वाचा, देखो काल भैरव तेरे शब्द का तमाशा। यह मंत्र है दोस्तों। इस मंत्र की 4 माला जाप करनी है। रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हो, काले हकीक की माला से भी जाप कर सकते हो, ठीक है। काले कपड़े, काला आसन ही होना चाहिए इसमें भी आपका। जमीन पर सोना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जो सामान मैंने आपको बताया है वो सामान भैरव जी के मंदिर में देकर आए, और किसी भी शनिवार को इसका जाप कर सकते हो। 41 दिन की साधना है पूरी, 41 दिनों तक की साधना को करें और बाबा भैरव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बाबा भैरव की असीम कृपा आपके बने रहे, बाबा भैरव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और भैरव बाबा जी के आशीर्वाद से आप जन कल्याण की सेवा करते रहे, ठीक है दोस्तों। यह मंत्र था, ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र को बिना गुरु के कभी ना करें, गुरु की इजाज़त लेकर करें और गुरु के आशीर्वाद से करें, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ और एक नई वीडियो के साथ। अगर मेरे किसी भाई को या मेरी किसी बहन को नवरात्रों में अगर गुरु दीक्षा लेनी है, जैसे 26 तारीख का पहला नवरात्र है,
26 सितंबर का जो नवरात्रा है, इस नवरात्रे में अगर गुरु दीक्षा लेनी है तो गुरु दीक्षा लेकर जन कल्याण कर सकते हो, जन कल्याण करके दूसरे का भला भी कर सकते हो। और कोई साधना भी करना चाहते हैं तो मेरे से आके मिले। हर शनिवार को हरियाणा करनाल में मिलते हैं और हर मंगलवार को कुरुक्षेत्र में मिलते हैं, ठीक है। मिलने का समय हमारा वही है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक का, और आने से पहले एक बार फ़ोन जरूर करें। फिर मिलेंगे। जय महाकाली, जय शमशान।